सो हेलो गाइस, वापस से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीके ब्लॉग्स मुंगेर वाला। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज अब दुर्गा पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, विसर्जन हो गया, तो अब हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमने सोचा चलो आज फिर इस पर मटन का पार्टी किया, जो हर साल की बात है इस साल भी हम कर रहे हैं। सो अभी हम बनाने वाले हैं मटन हांडी। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे हमारे वीडियो की, जो भी नई वीडियोस आती है उसकी अपडेट मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड और वीडियो के अंत तक बने रहे। तो हमने लाया है यहाँ पे, अभी पहले मैं आपको मिलाता हूँ, ये है हमारे सुमित बाबू और ये है हमारे अंकित बाबू, इसको तो जानते ही होंगे आप। हाय गाइस, ये हमारे हर वीडियोस में होता है। ये है हमारे मैडी बाबू, फॉरनर टॉम क्रूज कॉपी कट। तो हमने लिया है मटन, यहाँ पे अप्रोक्स 4 kg मटन है, उसको हमने मैरिनेशन के लिए डाला है। बिल्कुल देसी जो हांडी मटन होता है जो चंपारण में बनता है वैसा ही हम बनाने वाले हैं। सो अभी इसमें हमने सारा मसाला, ऑयल और प्याज वगैरह डाल के इसको मैरिनेट कर दिया है, और अभी हम फिर हांडी में डालेंगे, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। सो अभी इसमें हमने डाला है नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा वगैरह डाला है इसमें, और प्याज डाला है, और खड़ा गरम मसाला डाला है, मटन मसाला डाला है, और हमने ये लहसुन की पोटी भी डाली है जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपको दिख भी रहा है। सो अभी इसको थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने लाया है, यहाँ पे चूल्हा बनाया है, हमारे पास 2 हांडी हैं, एक्चुअली क्वान्टिटी ज़्यादा है तो हमारे पास 2 हांडी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 हांडी में बन जाए, अगर नहीं बनता है तो फिर हम 2 हांडी बनाएंगे, उस हिसाब से ही हमने ये चूल्हा बनाया है। अब हम इसको गोइठे में, बिल्कुल हम देसी स्टाइल में बनाएंगे, कोई गैस चूल्हा की यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल गोइठे पे इसको जलाएंगे, लकड़ी से पकाएंगे। और ये हमारा हांडी आ गया है धुल के, हांडी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, ये सूख जाए, उसके बाद फिर हम इसको तेल डाल के इसके अंदर इसको वेट करेंगे ताकि जले। सो स्टे ट्यून्ड, हम आपको दिखाते रहेंगे। ये थोड़ा सा सूखेगा ना तब इसमें तेल डालेंगे। जी सर, चालू है। तो हांडी तैयार है, हांडी में मैंने डाला है तेल, आगे आके दिखाइए थोड़ा तेल। तो हांडी में मैंने डाला है तेल जो कि गर्म हो चुका है, इसमें डाला है मिर्ची और 30 पत्ता। अब ये गर्म ऑलरेडी हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे, इसको आपको पता है क्या कहते हैं? चुस्ता, आपको पता ही होगा, लास्ट में भी दिखाया था मैंने आपको। लगाव करो हमरा से नहीं हो पर तो इतना ब्लॉगिंग तो है भाई। तुम चेयर ले लो, तुम मगर बैठना चाहो। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 4 किलो के आसपास मटन है, मैरिनेशन ऑलरेडी डन हो चुका है, सारे मसाले ऑलरेडी डले हुए हैं, तो अभी हम इसको फिल करेंगे। और ये आपको फुल देसी स्टाइल जो कहते हैं ना चंपारण हांडी मटन, अहुना मटन, ये वो है। तो अभी हम धीरे धीरे करके इसको फिल करेंगे, अब देखते हैं ये सारा मटेरियल आता ही नहीं है। आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक ले लेगा, अमूल कूल ले लेगा, उसके बाद चिप्स ले लेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा? ले लेगा, नहीं कुरकुरे नहीं, चिप्स खाली ले लेगा, अच्छा, और चॉकलेट ले लेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 30% हो गया है काम, और बाकी हम इसको चला देते हैं ताकि इसमें लगे नहीं कुछ भी। अभी प्याज गला नहीं है, धीरे धीरे गलेगा। सो गाइस देखिए, रंग तो ऑलमोस्ट आ चुका है, मटन गल चुका है, और आपको देख रहा होगा
थोड़ा वास्प निकल रहे है तो प्रॉपर नहीं आ रहा, बट स्टिल आपको पता चल रहा है देखिए कलर आ चुका है, प्याज गल चुका है, थोड़ा सा समय और लगेगा, अब अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ी आग लगेगा। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है और ऑलमोस्ट सब कुछ गल चुका है, ग्रेवी भी बहुत शानदार हो गया है, ऑयल छोड़ चुका है ऑलरेडी, थोड़ा सा हम इसको और गलाएंगे, फिर हम पीस चेक करेंगे कि गला है कि नहीं। और देखिए आँच बिल्कुल मध्यम आँच है, इससे क्या होता है ना आपको लगेगा नहीं, जलेगा नहीं नीचे, ग्रेवी जलेगा नहीं, और ग्रेवी देखिए कितना शानदार है। सो बहुत मेहनत लगता है, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, अभी 15-20 मिनट और रखेंगे इसको, अब फिर हम आपको दिखाएंगे। और जो इसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा ना, क्या अंकित बाबू, बहुत बेहतर है, अभी 15-20 मिनट इस पर स्मोक ही दिए हैं हम, देखिए ये देखिए बेहतरीन। सो गाइस प्याज देखिए ऑलमोस्ट गल चुका है, ग्रेवी का भी थिकनेस आ गया है और मटन ऑलमोस्ट रेडी ही है, और बिल्कुल अंधेरा हो गया, आप देख लीजिए अंधेरा हो गया और बच गए हैं 6:15। टेक्सचर बहुत अच्छा है, बाकी हम देखेंगे अभी पीस जो है इसका, मांस जो है अभी पका है या नहीं है, उसके बाद हम आपको टेस्ट करके इसका टेस्ट बताएंगे कि हाँ कैसा बना, यम्मी बना या नहीं बना। सो स्टे ट्यून्ड, अभी बहुत कुछ बाकी है। सो मटन इज़ ऑलमोस्ट रेडी, देख सकते हैं इसका ग्रेवी का थिकनेस, कलर, अभी मैंने ऊपर से धनिया पत्ती डाली है, देखिए हड्डी मांस बिल्कुल हड्डी छोड़ चुका है। सो रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपको खाना है। सो मटन बन गया है, अब सर्व किया जा रहा है, ये देखिए, ओह माय गॉड, लहसुन, पाकिस्तान और न्यू साउथ अफ्रीका का मैच, मटन और राइस हमारे अंकित बाबू सर्व कर रहे हैं, चिक्कू बाबू घूम रहे हैं। अंकित बाबू कुछ बताइए कैसा टेस्ट लग रहा है, मैंने इतना मेहनत से बनाया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मेहनत तो किया है इसमें। आप बताइए आपका रिव्यू, मैं खाए पहले, अच्छा क्या मजा, रिव्यू है, दिस इज अल्टीमेट। अंकित बाबू आप भी टेस्ट कीजिए, बताइए, टेस्ट कर लिए हैं, फुल स्मोकी एकदम, अब बताइए, शानदार है, मुझे बताएगा। चलिए तो हमें टेस्ट अच्छा लगा, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट भाई लोग बता रहे हैं तो अच्छा ही लगा होगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोशिश कीजिए, और क्या करना है अंकित, लाइक करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।